मड़ोरी थाना के चांदपुर के गोकुल नगर कॉलोनी में पूजा के दौरान दिए से वृद्ध महिला की साड़ी में आग लग गई, जिससे महिला गंभीर रूप से झुलस गई। आनन फानन में परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 7 करोड़ रुपए सरकारी धन का गबन करने वाले राजकीय निर्माण निगम के लेखाकार सोनभद्र से पकड़ा गया। ईओडब्ल्यू वाराणसी की टीम ने उसे रॉबर्ट्सगंज से गिरफ्तार किया। टीम उसे पूछताछ के साथ ही विधिक कार्रवाई में जुटी रही। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड वाराणसी इकाई के लेखाकार श्री प्रताप सिंह रामपुर बरकोनिया सोनभद्र का रहने वाला है। उसके खिलाफ 2017 में धोखाधड़ी के आरोप में गाजीपुर के गहमर थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था। मिर्जा मुराद थाना के करधना गांव में प्राचीन शिव मंदिर में स्थापित हनुमान जी व सरस्वती माता की प्रतिमा तोड़े जाने के मामले में मिर्जा मुराद पुलिस ने छापेमारी कर आधा दर्जन युवकों को हिरासत में ले लिया था। इसकी जानकारी होने पर दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने मिर्जा मुराद थाने का घेराव कर दिया। ग्रामीणों के विरोध के आगे पुलिस लाचार नजर आई, वही हिरासत में लिए गए युवकों को छोड़ना पड़ा। लोकसभा चुनाव और आगामी त्योहारों को लेकर कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट मोड में है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए कमिश्नरेट पुलिस अपने अपने थाना क्षेत्र में एसएसबी के साथ रूट मार्च कर रही है। इसी क्रम में सोमवार को लंका थाना क्षेत्र में एसपी अतुलन जान त्रिपाठी के नेतृत्व में रूट मार्च निकाला गया। इस रूट मार्च में एसएसबी जवान के साथ लंका थाना क्षेत्र में पड़ने वाले चौकी के इंचार्ज और थाने की पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। ये जो आगामी लोकसभा चुनाव और जो अन्य त्योहार शांति व्यवस्था के वहाँ पर ये जो सी एच एस की फोर्स है एसएसबी की बटालियन है उसके साथ आज जगह जगह एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च किया जा रहा है। अभी इस बार लोग बिल्कुल के समरेशन एरिया निकल के आए हैं, अब लखनऊ निकल के और इसके बाद सिटाई पुल निकल। हाँ सर, इन लोगों का सम्मान भी कर रहे हैं क्या क्या? हाँ, ये बाहरी हम लोगों के एरिया में आए, हमारी शांति व्यवस्था करना चाहेंगे लोगों से जो आगामी चुनाव है उसके दृष्टिगत सभी लोग स्वतंत्र हैं और जो कई सारे जो विवाद हैं उसमें अवॉइड करें और जगह जगह स्वतंत्र हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने किसानों के जमीन के मुद्दे पर भाजपा सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा। उन्होंने कहा कि कमेरा समाज की जमीन सत्ता के सहारे अवैधानिक तरीके से कब्जाने की साजिश गुजराती गैंग रच रहा है। पल्लवी पटेल ने कहा कि भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 का खुला उल्लंघन कर कमेरा समाज के वैधानिक हक का प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हनन हो रहा है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लाने का वादा और इस बात का श्रेय आप ले रहे हैं तो इस देश के हर कोने में असंख्य जीवित राम हैं जो बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं, उनके प्रति जिम्मेदारी किसकी है और उनकी जिम्मेदारी लेते हुए उनके भविष्य को सुधारने का काम कौन करेगा? आज MLC के लिए नामांकन भी हुआ है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने भी किया है नामांकन और बीजेपी ने, लेकिन बीजेपी के डिप्टी CM हैं केशव प्रसाद मौर्य, वह कह रहे हैं कि हम चाहे तो 10 से ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि संगठन जो है विपक्ष का वो मजबूत नहीं है। तो क्या लगता है कि अभी भी विपक्ष में अभी भी गुटबाजी चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से बयानबाजी कर रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं 80 में से 82 सीटें ना वो जीत लें। तो चुनाव अगर है तो उसमें विपक्ष की अपनी भूमिका होती है और जब वक्त आएगा तो विपक्ष भी अपनी भूमिका पूरी दमदारी से निभाएगा। बरेका को राजभाषा शील्ड दिया जाएगा। रेल मंत्रालय की ओर से राजभाषा हिंदी के प्रयोग प्रसार की दिशा में बेहतर काम करने के बदले शील्ड दिया जा रहा है। इससे कर्मियों में हर्ष का माहौल व्याप्त है। रेल मंत्री राजभाषा शील्ड के लिए बनारस रेल इंजन कारखाना वाराणसी का चयन किया गया है। रेल मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2022 का रेल मंत्री राजभाषा शील्ड 22 मार्च को नई दिल्ली स्थित रेल भवन में बरेका को प्रदान किया जाएगा। खोजवा क्षेत्र में पार्षद व जलकल विभाग के जे को स्थानीय नागरिकों द्वारा बंधक बनाए जाने के बाद कांग्रेस पार्षद भयभीत है। उन्होंने इसके संबंध में सोमवार को महानगर कांग्रेस कमेटी व कांग्रेस पार्षद दल के प्रतिनिधिमंडल ने नगर आयुक्त अक्षत वर्मा को ज्ञापन सौंपा। पार्षदों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए रमजान व होली के मद्देनजर वार्डों में साफ सफाई, प्रकाश की बेहतर सुविधा व साफ पेयजल की आपूर्ति की मांग की। देखिए, आज कुछ लोगों ने सीवर की सफाई को लेकर कुछ शिकायत दी है,
तो उसको हम लोगों के संज्ञान में था ही, और सफाई का कार्य बिल्कुल वहाँ सुचारू रूप से कल से ही चल रहा है। तो जो भी इशूज़ थे वो रिजॉल्व कर लिए जाएंगे, क्योंकि आगामी कुछ दिनों में त्यौहार भी हैं, होली का त्यौहार भी है, रमजान का भी त्यौहार है, तो सारे त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए साफ़ सफाई और जो भी शहर के जितने भी सीवर के कार्य हैं उनमें कोई किसी जनता को कोई किसी तरह की समस्या ना आए और त्यौहार सुचारू रूप से निकल जाए, तो इसकी पूरे प्रयत्न किया जाएगा और उसको 100% इंश्योर भी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वाराणसी में पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर कर दिया गया है। वाराणसी पुलिस कमिश्नर के पद पर आईपीएस मोहित अग्रवाल को नियुक्ति दी गई है। मोहित अग्रवाल इससे पहले लखनऊ एटीएस में अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर रहे हैं। वो 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वाराणसी में पुलिस कमिश्नर रहे अशोक मुथा जैन का ट्रांसफर पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ में अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री ने काशी की बेटियों की ऊंची उड़ान देखी। वाराणसी की 9 ड्रोन दीदी ने बिहार के मोतिहारी और प्रयागराज में इफको से ड्रोन का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने दिल्ली से अमृतकाल में नारी शक्ति के समवर्ता विकसित भारत कार्यक्रम में इसे वर्चुअली देखा। इन महिलाओं को हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड और इफको ने प्रशिक्षण दिलाया है। महिला ड्रोन पायलट की रिमोट पायलट ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिल चुका है। प्रशिक्षित महिलाओं को 15 लाख की कीमत का ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक ऑटो भी प्रदान किया गया। नगर निगम कार्यकारिणी की 7.5 घंटे तक चली मैराथन बैठक में 1294 करोड़ रुपए से अधिक का बजट स्वीकृत किया गया। मेयर ने अकुशल वित्तीय प्रबंधन पर मुख्य वित्त व लेखाधिकारी के पांडे और ठीक से आय की वसूली न करवाने पर मुख्य कर निर्धारण अधिकारी असीम रंजन का वेतन रोक दिया है। 15 से 31 मार्च तक जल कर जमा करने वालों को सरचार्ज में 100% छूट देने का भी निर्णय लिया गया है। पिछली बार नगर निगम का वित्तीय बजट 1864 करोड़ रुपए का था, जो इस बार इसे 184.5 करोड़ बढ़ाया गया है।